आ गए फिर से। तो आज की वीडियो कोई मिथबस्टर वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री के टॉप 3 माइंड ब्लोइंग थिंग्स का पता लगाएंगे। और यकीन मानो गाइस, इन माइंड ब्लोइंग थिंग को देख के आपको सचमुच में चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तो आ गए। तो चलो जल्दी से शुरू करते, लेट्स गो। नंबर 1, द इंडियन एयरफोर्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम का इंडियन एयरफोर्स से क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन काफी गहरा और काफी मिस्टीरियस है। और हाँ गाइस, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया था कि ये माइंड ब्लोइंग थिंग्स को देखने के लिए आपको वर्जन 17 में आना पड़ेगा, ठीक है। और वर्जन 17 में आते ही सबसे पहले 8000 का चीट कोड डालना, जिससे आपके पास आ जाए ओल्ड हेलीकॉप्टर, और उसे कुछ इस तरीके से स्पॉन करना जिससे आप हेलीकॉप्टर के नीचे देख पाओ। और हेलीकॉप्टर के नीचे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर अपना एक इंडियन फ्लैग बना है, वो भी सर्कल की डिजाइन में। मगर ये वो माइंड ब्लोइंग थिंग नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था। उसके लिए आपको दोबारा से एक हेलीकॉप्टर को स्पॉन करना, और इस बार हेलीकॉप्टर को सीधा खड़ा करना, ठीक है। और फिर हेलीकॉप्टर के विंग्स के थोड़ा नीचे आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा है इंडियन एयरफोर्स। लिटरली मैं जब मैंने ये चीज देखी तो मेरे तो दिमाग के होश ही उड़ गए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का अपने गेम से कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अपने गेम में इंडियन एयरफोर्स जैसी कोई भी चीज है नहीं। और फिर इस हेलीकॉप्टर का कलर बिल्कुल भी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है। लेकिन सोचने की बात तो यही है कि जब अपना हेलीकॉप्टर प्राइवेट हेलीकॉप्टर है तो इसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स क्यों लिखा है। लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि गलती से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स लिख गया होगा, लेकिन अपने गेम का इंडियन एयरफोर्स से क्या कनेक्शन है, क्योंकि अपने गेम में इंडियन एयरफोर्स जैसी कोई भी चीज है ही नहीं। फिर इस हेलीकॉप्टर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स क्यों लिखा है, सोचने की बात तो है। क्यों हिला डाला ना, अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे वाली माइंड ब्लोइंग थिंग और भी ज्यादा खतरनाक है। तो चलो चलते सेकंड माइंड ब्लोइंग थिंग की तरफ, सेकंड सर्कल रैम। वैसे तो गाइस आपने अभी लेटेस्ट अपडेट वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में ये वाले मेगा रैम को तो काफी बार यूज किया होगा, क्योंकि ये काफी मजेदार है। लेकिन क्या आपको पता है, वर्जन 17 में सिर्फ यही एक सर्कल वाला मेगा रैम नहीं था, इसके अलावा एक और सर्कल वाला मेगा रैम था जो काफी ज्यादा खतरनाक था। चलो मैं आपको सेकंड सर्कल मेगा रैम की लोकेशन बताता हूँ कि वो वाला लोकेशन वर्जन 17 के गेम में था कहाँ पर। तो इसके लिए बस आप लोग मुझे फॉलो करते जाओ और मैं आपको सीधा सेकंड सर्कल मेगा रैम पे ले चलूंगा। और वो देखो गाइस, सामने की साइड आपको सेकंड सर्कल मेगा रैम दिखाई दे रहा होगा। मगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला मेगा रैम भी बिल्कुल वो पुराने वाले मेगा रैम जैसे ही है। लेकिन आप लोग ध्यान से इस वाले मेगा रैम को देखो कि इस वाले मेगा रैम की जो चौड़ाई है वो पुराने वाले मेगा रैम से ज्यादा है, क्योंकि ये जो सेकंड सर्कल मेगा रैम पे ये बाइक के लिए तो बना ही नहीं, ये बना है कार के लिए। और ये चीज मैं कोई तुक्के में नहीं कह रहा हूं, आप इस वाले मेगा रैम को ध्यान से देखो, इसकी चौड़ाई पुराने वाले से काफी ज्यादा है। तो इसी वजह से वर्जन 17 में दो दो सर्कल मेगा रैम थे, एक बाइक के लिए था और एक कार के लिए। तो चलो अब चलते हैं थर्ड माइंड ब्लोइंग थिंग की तरफ, लेट्स गो। स्केरी एनपीसी। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं एनपीसी को दी स्केरी एनपीसी क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो इस वाले माइंड ब्लोइंग थिंग को देखने के लिए आपको जल्दी से अपनी सिटी में एक एनपीसी को ढूंढना है। लेकिन अरे यार, ये टकला कहाँ रोड पे गिरता रहता है, बेवकूफ टकले खड़े खड़े क्यों गिर रहा है। तो चलो यार, ये टकला तो नहीं सुधरेगा, ये हर जगह मेरी बेइज्जती कराता रहेगा। तो चलो जल्दी से मैं इस फीमेल एनपीसी के पास आ चुका, और ये देखो गाइस, जैसे जैसे मैं इसके अगल बगल रोटेट कर रहा हूँ, ये अपनी मुंडी को भी उसी तरीके से रोटेट कर रही है। आप लोग इसके चेहरे को ध्यान से देखो, ये बिल्कुल मुझे घूरे जा रही है। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ये वहाँ वहाँ मुझे घूर रही है, और बहुत ही खतरनाक तरीके से घूरती है। जैसे गाइस इविल डॉल की गर्दन रोटेट होती, उसी तरीके से ये एनपीसी भी अपनी गर्दन रोटेट करते हैं। और गाइस सिर्फ फीमेल एनपीसी नहीं घूरती है, जितने भी एनपीसी अपनी सिटी में, सारे के सारे एनपीसी हमें खतरनाक तरीके से घूरते हैं, बिल्कुल अपनी गर्दन ही तोड़ देते ऐसा लगता है। ये देखो कितनी बुरी तरीके से मेरे को घूर रहा, अपनी पलके भी नहीं झपका रहा है। तो इसी स्कैरी लुक की वजह से मैंने इनका नाम रखा है दी स्कैरी एनपीसी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं।